So she's my Bobby. Her name is Amir V. Sheikh. Sorry, Amir V. Mujawar. आप लोग सब ऐसे मस्त ऐसे बढ़िया होंगे, अगर नहीं भी है ना तो बढ़िया होने का नाटक करना, बिकॉज यही तो एक चीज है जो अपने दुश्मनों को आप लोगों से दूर रखेगी। आप खुश रहो, दुश्मन अपने आप हट जाएंगे, सब प्यार करने लगेंगे आपसे जैसे हमसे करते हैं आप लोग। ओके, तो आज हम किचन में क्यों स्टार्ट कर रहे हैं अपना वीडियो, स्टार्ट नहीं एंड भी किचन में करेंगे, बिकॉज ये एक छोटा सा वीडियो होगा, व्लॉग वीडियो, फूड व्लॉग, कुछ भी कह सकता हूं, ऐसा ही कुछ होगा। तो आज हम बनाएंगे चाय, ऐसी वैसी चाय नहीं, हम बनाएंगे हेल्दी चाय। बहुत से लोगों को चाय में शक्कर नहीं पसंद है, मीठा पसंद है बट शक्कर नहीं पसंद है बहुत से लोगों को, तो उनके लिए हम बना रहे हैं जैगरी वाली चाय। अब जैगरी क्या है, जैगरी इज अ गुड मीठा जो शुगर केन से बनता है। और ये हमें अपने प्यारे से सब्सक्राइबर, अपने प्यारे से दोस्त मुस्तईन सैयद, इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि गुड़ की चाय बनाओ, बिकॉज उन्हें शक्कर ज़्यादा पसंद नहीं है चाय के साथ, मतलब चाय में शक्कर उन्हें पसंद नहीं है। तो गुड़ इज़ काइंड ऑफ अ हेल्दी जो आपके कैलोरीज भी कंट्रोल करता है, और है ना, उससे आगे का मेरे को पता नहीं क्या होता है, बस हेल्दी है मतलब। हाँ, उसके तुम्हें बीच में बोलना है हर वीडियो में तो कुछ तो होता है, उससे बस होता है। हम बना रहे हैं, आप देखो अब इसका प्रोसेस क्या होगा और कैसे बनाते हैं ये भी हम तुम्हें दिखाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू नॉर्डिस देसी किचन विद सम देसी कुकिंग टेक्निक। गुड़ की चाय बनाने के लिए पहले आपको दूध अलग से बॉईल करना होगा, बिकॉज आप कच्चा दूध मतलब डायरेक्टली पैकेट से या गाय से डायरेक्टली आप चाय में मत डालना, दूध फट जाएगा, मतलब चाय फट जाएगी। तो दूध को अलग से बॉईल करके लेना, जो हमने यहाँ पे रखा है बॉईल हो रहा है, अब उठा के दिखाएंगे ना, समझ जा, दूध को बॉयल होने रखा है। और अब इसमें हम डालेंगे पानी, पानी के साथ क्या क्या डालेंगे वो भी आप देखना। ओके, तो चाय हमने बनाएंगे, चाय बनाएंगे अपने भाभी, वो बस यहाँ पे खड़े खड़े हमें देख रहे, तो ऐसा नहीं होता है अपने किचन में, ऐसा अलाउड नहीं है। तो चाय हमारे भाभी बनाएंगे और हम गाइड करेंगे। ओके, प्लीज भाभी पधारिए, प्लीज हेलो कम कम हेलो यस प्लीज प्लीज कम कम। हाँ, सो शी इज माय भाभी, हर नेम इज अमीर वी शेख, सॉरी अमीर वी मुजावर। तो अगर आप एक कप चाय बना रहे हो, एक कप चाय बना रहे हो, दो कप चाय बना रहे हो, तो एक कप पानी एक कप दूध डालना, हेल्दी। अच्छा, ज्यादा दूध, ज्यादा डेयरी वाला प्रोडक्ट भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, तो एक कप दूध एक कप चाय। अगर दो कप तीन कप चाय बना रहे हो तो एक कप, एक और आधा कप पानी और एक और आधा कप दूध, मतलब ऐसे ही, मतलब एक प्रॉपर से ऐसे कप मेजर करके मत डालना, एक अंदाजा होता है तो वैसे ही कुछ डालना। तो पानी, हाँ पानी जैसे ही उबलता है पानी में हम डालेंगे जिंजर को भी उबालेंगे। और जिंजर ज्यादा मत डालना, बस इतना इनफ है, मतलब एक सेकेंड, ये होगा एक 5 ग्राम इनफ है, काफी है 5 ग्राम। उसको ऐसे मैश करो, हो जा। ओके, और अब हम इसको डालेंगे पानी में, तो जिंजर को उबलने दो, जिंजर उबलेगा तभी उसका खून खोलेगा रे। जिंजर जैसे ही उबलता है उसके साथ साथ हमें इसमें डालना है गुड़, तो गुड़ का इस गुड़ यहाँ पर ला 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 चाय बहुत टेस्टी बनने वाली है, हम पिए पहले भी अब भी पिए। तो देखो आपको जितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से गुड़ डालना, हमें ज्यादा मीठा पसंद नहीं है तो हम कम ही डालेंगे, अगर वापस चाहिए तो ऊपर से डाल के पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो गुड़ और जिंजर अच्छे से मिक्स हो जाता है पानी के साथ, आपको एक मस्त सा जिंजर का ना और गुड़ का एक ऐसे मस्त सा एक अरोमा आएगा, एक मस्त सा सुगंध आएगा। तो जैसे ही वो आता है तो आपको उसमें ऐड करनी होगी टी पाउडर। तो अपना दूध उबल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट उबल गया है। ओके, दूध उबल चुका है। ए, ए, नीचे 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 नीचे। वैसे चाय मैं नहीं, चाय भाभी बना रही थी, वो ऐसे बीच में गायब हो जाती है, अपनी ट्रेनिंग ठीक नहीं है। फोन साइड में, फोन नॉट अलाउड इन माय किचन। तो अभी पानी और जिंजर और गुड़ अच्छे से मिल चुका है, तो आपको उसमें ऐड करना, हाँ डाला डाला आपको उसमें ऐड करना, टी पाउडर ऐड करो, ऐड टी पाउडर, टी पाउडर ऐड करो, एक चम्मच फुल, हाँ नहीं ऐड करो, ऐड करो, सही है, बस काफ़ी है। तो टी पाउडर को, मतलब सॉरी मैं ही कहता हूँ अपने वीडियो में कि टी पाउडर नहीं कहना चाहिए, उसको कहते हैं टी लीव्स, सॉरी निकल जाता है मुँह से कभी कभी। तो टी लीव को अच्छे से पानी में घुल मिल जाने दो उनके दोस्तों के साथ, जिंजर और अपने गुड़ के साथ, फिर हम उसमें ऐड करेंगे दूध। ओके ओके, थोड़ा ऐसा टेस्ट और उसका अरोमा थोड़ा ऐसे ना सुगंध अच्छे से बढ़ाने के लिए हम उसमें ऐड करेंगे दो छोटी छोटी इलायची। देखो मेरे साथ साथ चाय बनाके ना सीख गई है, मेरे चाय की रेसिपी ये सीख गए। उस भी हाँ, उसको ओपन करना, हमेशा इलायची को ओपन करके डालना, बस कर। एक इलायची ओपन कर, बस हाँ बस। आप लोग देखो मस्त मस्त ऐसे उबल आ रहा है, ऐसा होगा। तो अब आपको इसमें ऐड करना होगा दूध को। और एक बात, एक मस्त सी आपको टिप देंगे, दूध को ऐड करने के बाद ना ज़्यादा देर मत कुक करना, बस एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके सही। और दूध को, अम्मा दूध को ऐड करने के बाद बस एक उबाल काफ़ी है, एक उबाल काफ़ी है, क्योंकि दूध ऑलरेडी यहाँ पे कुक हो चुका है। तो दूध को ऐड करने के बाद एक उबाल काफ़ी है, दूध को ज़्यादा मत उबालना या फिर सत्यानाश हो जाएगा आपका चाय। तो ऐड करते हैं दूध, ओके ऐड कीजिएगा दूध। ओहो हो 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 हो, क्या कलर आया है, मस्त एकदम। ओके काफी है, काफी है, चाय मस्त होगी आज, मजा आएगा। क्रेडिट गोज टू मुस्तैन सैयद, जिन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ये वाली रेसिपी बताओ, ये रेसिपी बनाओ। ठीक से यहाँ पे खड़े रहो, कहाँ जा रहे हो, छुप छुप के चाय को उबल आने दो। हम तब तक थोड़ा कप का इंतजाम करते हैं, प्यारे वाले कप। जैसे कि हमने कहा चाय को ज़्यादा नहीं आपको उबालना है, बस एक उबाल आने पर आपको बंद कर देना है। और बात करते करते उबल आ चुकी है तो बंद हो जाओ। अरे हाय क्या खुशबू है, मस्त, आप लोगों को सबको पसंद आएगी। अभी थोड़ा ना ऐसे मस्त स्लो मोशन में ना देखना, मस्त लगेगा स्लो मोशन में 120 FPS पे। अभी आप देखो कि चाय कप में कैसे जाती है स्लो मोशन में, चलो। तो अपनी चाय मतलब एकदम ऐसे मस्त बनी है, मस्त। अपन अभी तक पिए नहीं, आप लोगों के सामने पिएंगे। आप हेलो हेलो, आपने बनाए, आप भी टेस्ट करो, रिव्यूज दो कैसी लगी। तो चाय की चुस्की लो, चाय पियो मत, चाय की चुस्की लो, हाँ चाय की चुस्की ली जाती है। सच में टेस्ट कुछ अलग ही है, तो चाय एक नंबर बनी है। अगर आपको भी ये वाली चाय ट्राई करनी हो ना तो जरूर पीना। ट्राई क्या यार, यही चाय पियो, मैं बताऊँ, शुगर को कर दो स्किप, शुगर को अपने लाइफ से कर दो स्किप, गुड़ को अपना लो, जैगरी को अपना लो, और हेल्दी चाय होगी, मजा आएगा पीने में, टेस्टी बहुत है। बस बस आप बनाओ और पियो, एंड आई होप
जिन्हें भी मुझे ये सजेशन दिया था, मुस्तैन सैयद आपको ये वाली रेसिपी, मतलब देखो हम ऐसे प्रॉपर कुकिंग वीडियो तो नहीं बनाते, अपने इधर ये प्रॉपर कुकिंग देखने नहीं मिलेगा, अपने इधर देसी किचन, देसी स्टाइल में कुकिंग, मतलब व्लॉग करते करते, मजाक करते करते हम करते हैं कुकिंग, और आप लोगों को सब पता चल गया होगा कि हमने क्या डाला है, कितना डाला है, कब डाला है, तो उसके हिसाब से आप भी बना लो। अगर कुछ पूछना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करना, हम उनको जवाब दे देंगे। अब हम चले अपनी चाय एंजॉय करने, आप भी जाओ बनाओ पियो, ओके चले चलो चलो ओके चलो टाटा बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो कमेंट करना, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर भी करना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ इट, सी यू इन द नेक्स्ट, बट टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।